que se llama no, pues calcetico por todo. बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को बताओ, धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। हिंदू देवियों के बारे में अगर ऐसी बात कोई और बोल देता तो बवाल मच जाता। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के बारे में अगर ऐसी भाषा कोई और इस्तेमाल करता तो बीजेपी वाले आसमान सिर पर उठा लेते। लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराने पर बवाल मचाने और मंत्री का इस्तीफा तक दिलवा देने वाली बीजेपी के नेता अब अपने ही विधायक की ऐसी अमर्यादित भाषा पर चुप्पी साधे बैठे हैं। विद्या मांगो तो सरस्वती को बताओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को बताओ, धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। अपने विवादित बयान को लेकर हमेशा से विवादों में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने फिर विवादित बयान दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत की जबान से हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें निकली, लेकिन लोग ठहाके लगाते रहे। विद्या मांगो तो सरस्वती को बताओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को बताओ, यानी दोनों को महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आज जी के पास है क्या, एक शिव जी है वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लड़के पकड़े को फैली ऊपर के सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरसा से ठंडे में घूम रहे हैं, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए, दोनों की आपस में चारों की बात भी नहीं होती। जरा सी बात पर जिन भाजपाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, अब वही भाजपाई एक शब्द तक नहीं बोल रहे। लेकिन यही काम किसी और ने किया होता तो दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की तरह उसे घेर कर परेशान किया जाता। इस दोहरे मापदंड पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।